इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल फोन से कैसे चेक किया जाता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप लोग अगर उस समय आप लोग बनवाना चाहते हैं तो उस दरमियान में क्या होता है, ओरिजिनल के जगह पे आप लोग को डुप्लीकेट यानी फर्जी हाथ में थमा दिया जाता है। इस चीज से आप लोग फर्जी से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने हुए रहिएगा। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए क्या आपको करना है, एम परिवहन एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एम परिवहन जो एप्लीकेशन है आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं इस तरह ओपन होकर आएगा, जैसी होकर आता है तो आपको परमिशन खोजता है, आपको क्या करना है अलाउ ओके कर देना है। जैसी आप ओके करते हैं तो देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है आरसी, दूसरे में देख सकते हैं ऑप्शन में डीएल, डीएल पे आपको क्लिक करना है। और जैसी आप डीएल पे क्लिक करते हैं तो इंटर डीएल नंबर, तो आपको क्या करना है इसमें जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है आपको इसमें आना है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इसमें डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं तो आपको ये परमिशन फिर खोज रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। अगर ज्यादा दिन होता है या फर्स्ट बार आप यूज एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं प्लीज वेट यानी कुछ देर वेट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है। जैसे आप वेट करते हैं तो कुछ देर के बाद आपको देखिए एक ओटीपी नंबर आएगा, जो कि ओटीपी नंबर आपको क्या करना है डालना है। जैसे ही ओटीपी आप नंबर इसमें डालिएगा उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर आपको वेट करना है, उसके बाद देखिए ये ओपन होकर आ चुका है। इसमें अब आपको क्या करना है, डीएल नंबर डालना है। आप देख सकते हैं दोस्तों डीएल नंबर जो था इसमें डाल दिया हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार और ये परमिशन खोज रहा है, आपको क्या करना है अलाउ ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये खुल के ओपन हो चुका है और ये सारा इसका ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स आ चुका है। तो आप अपने घर बैठे आसानी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं, और फर्जी से आप सावधान होकर बच सकते हैं, मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को पूरी तरह से समझाने और दिखाने और बताने का वर्गीस कोशिश किया हूं। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।